अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे दिन का खेल शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान ने 546 रन के करीब स्कोर बनाया और पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी आउट हुए, और जिसमें सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छा बैटिंग की और सेंचुरी स्कोर की, और नसीम शाह ने भी उनका बहुत साथ दिया और अच्छी बैटिंग की नसीम शाह ने भी। और इसके अलावा पाकिस्तान ने 546 रन बनाए और पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और इंग्लैंड की बारी भी स्टार्ट है, जिसमें पाकिस्तान ने एक विकेट तो जल्दी हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को विकेट अभी तक नहीं मिली। 90 रन हो चुके हैं इंग्लैंड के और 20 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, अभी तक पाकिस्तान को विकेट नहीं मिली, सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट है। तो देखते हैं कि आज इंग्लैंड कम बैक कर पाएगा या पाकिस्तान ये जो अपना लीड है वो कितनी और ले पाएगा। तो देखते हैं कि आज तीसरे दिन का खेल क्या बताता है हमें। तो अभी तो दो दिन बाकी हैं, तो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है, अभी जो अंदाज़ा हो रहा है कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कुछ भी भरोसा नहीं, वो किसी भी टाइम नीचे आ सकता है। मतलब वो इतना अच्छा खेलने के बावजूद आखिरी दिन वो नाकाम हो जाते हैं। तो अभी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या चौथे दिन और पांचवे दिन क्या बनता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग ने क्या करना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।